ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 18 मार्च यानी होली के दिन विनी रमन के साथ शादी कर ली। बता दें कि दोनों की शादी इसी महीने 27 मार्च को तमिल रीति रिवाज से भी होगी। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने भारतीय मूल की विनी रमन को साल 2017 से ही डेट करना शुरू किया था और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी इस कदर चर्चा में आई है कि गूगल सर्च पर भी विनी रमन ट्रेंड करने लगी। शायद लोग भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है भारतीय मूल की विनी रमन जिसने ऑस्ट्रेलियन ग्लेन मैक्सवेल का दिल जीता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है विनी रमन जिनकी चर्चा जोरों पर है। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जैसा कि हमने बताया कि ग्लेन और विनी एक दूसरे को लगभग 5 सालों से यानी कि 2017 से ही डेट कर रहे थे। पिछले साल ही दोनों ने सगाई की थी। दोनों की ये सगाई भी भारतीय परंपरा अनुसार ही हुई थी और अब सगाई के 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली है। दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। बात करें विनी रमन की तो विनी एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखती है। यही वजह है कि 27 मार्च को दोनों की शादी एक बार फिर तमिल परंपराओं के साथ होगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तमिल भाषा में दोनों की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। ये कार्ड पूरी तरह से भारतीय अंदाज में बनाया गया था और उसमें भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर भी दिख रही थी। विनी रमन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वह पेशे से एक फार्मासिस्ट हैं। विनी ने विक्टोरिया स्थित मेलबर्न गर्ल्स सेकेंडरी कॉलेज से मेडिकल साइंस में डिग्री ली है। विनी रमन के परिवार की जड़ें चेन्नई से जुड़ी हुई हैं। उनका जन्म और पालन पोषण ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ जहां उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई भी की। विनी रमन के पिता वेंकट रमन और माँ विजय लक्ष्मी रमन उनके जन्म से पहले ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। कुछ साल बाद विनी रमन को ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी मिल गई। वैसे प्रेजेंट में विनी रमन मेलबर्न में रहती हैं और यही दोनों की शादी की रिसेप्शन भी ऑर्गेनाइज होगी। बता दें कि मैक्सवेल के साथ विनी का रिश्ता जब ऑफिशियल हुआ था तब से ही विनी ने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना शुरू कर दिया। वो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इससे पहले विनी 2019 और 2020 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड सहित कुछ ऑफिशियल फंक्शन में मैक्सवेल के साथ नजर भी आई थी। मैक्सवेल को आईपीएल मेगा नीलामी से पहले ही उनकी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिटेन किया था। लेकिन अब दोनों की शादी के बाद कहा जा रहा है कि मैक्सवेल आईपीएल के शुरुआती मैचों से दूर रह सकते हैं। उन्होंने पहले ही पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था। वैसे जो भी हो, हमारी तरफ से ग्लेन और विनी को शादी की बहुत बहुत बधाई।